हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं बताऊंगा इलाहाबाद बैंक का एटीएम का पिन कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, आप एटीएम का पिन भूल चुके तो इसमें घबराने की बात नहीं। फ्रेंड्स, आप नया पिन यहां से एटीएम का बना सकते हैं। एटीएम का पिन बनाने के लिए दो प्रोसेस होंगे, तो आप एटीएम मशीन से जगह बना सकते हैं, दूसरा अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से बनाने के लिए एक ऐप्स लॉन्च हुआ है प्ले स्टोर में, इलाहाबाद बैंक एम्पावर, वहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अकाउंट कैसे बनाया जाता है इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। सिंपली आ जाएगा, वो वीडियो को देखकर अकाउंट बना सकते हैं। चलिए फिर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। वीडियो प्लीज लिए आपकी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको क्वेश्चन पर मिलते रहेगी। इसके लिए आप फ्रेंड्स आपको इलाहाबाद बैंक एम पावर एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन जैसे करेंगे आपका इस तरह का पेज खुलकर फ्रेंड्स आएगा। इससे पहले आपने जो एम पिन सेट करा वो एम पिन को यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं डाल लेता हूँ ऐसे एम पिन। एम पिन करते हैं फ्रेंड्स, आपको लॉगिन करना। लॉगिन जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बैंक में कितना बैलेंस वो यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ साइड में फ्रेंड्स मोर का ऑप्शन, इस पर जाना है। इस पर जैसे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर में कार्ड सर्विस, इस पर क्लिक करना। फ्रेंड्स यहाँ पे लॉक डेबिट कार्ड, यहाँ पे अनलॉक डेबिट कार्ड, यहाँ ब्लॉक डेबिट कार्ड, यहाँ पे नीचे में लिखा है इसके डेबिट कार्ड पिन जनरेट, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट डेबिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे करेंगे यहाँ पर डेबिट कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का एक्सपायर यहाँ पे मंथ डालना है, यहाँ पे फ्रेंड एक्सपायर यहाँ पे ईयर डालना है जो एटीएम कार्ड में आपको रहता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ लिखा है एंटर न्यू पिन, जो आप एटीएम का पिन यहाँ पर रखना चाहते वो पिन यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ एटीएम का पिन। जो ऊपर वाला है वही नीचे में कंफर्म करना, ताकि वो एटीएम कंफर्म हो जाए। जो ऊपर में डाले वही नीचे में आपको डालना है। और फ्रेंड डालते ही आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको बैंक की तरफ से कि ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ रिटेक भी कर लेगा, नहीं करेगा तो यहाँ से आप डाल सकते हैं अपने से। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ओटीपी का यहाँ पर वेट कर लेता हूँ आने का। अब फ्रेंड्स यहाँ मेरे ओटीपी आ चुका, यहाँ पर 430 और फ्रेंड्स यहाँ पे 849। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे योर डेबिट कार्ड पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुल, ये हमारा पिन यहाँ पे सेट हो गया फ्रेंड। अब मेरा एटीएम पिन यही न्यू रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। अब फ्रेंड्स चलिए मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ फ्रेंड्स से। चलिए मैं यहाँ पे माय अकाउंट पे फ्रेंड्स चलाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। अब फ्रेंड्स देख लिए फ्रेंड्स मैंने किस तरह से एटीएम पिन यहाँ पे मैंने न्यू पिन बनाया फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।